Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard English lesson number 2.1 that is Invictus. Students, इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का है तो आप इसे देख सकते हो। इसका क्वेश्चन आंसर मैं बना रही हूँ आपके कमेंट पे। आपका कमेंट आया है बार बार कि आपको ये लेसन चाहिए तो मैं यहाँ पे आपके लिए बना दे रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इसका आंसर। आप एक चीज़ और डिमांड करते हो PDF की, तो मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। YouTube पे कैसे करते हैं PDF अपलोड, मुझे उसका तो आइडिया नहीं है। यहाँ पे जो भी आप बोलते हो मैं बच्चों से ये फ़ोटो निकाल के मैं इसका बना देती हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों से ही मैंने फ़ोटो मंगवाया है तो यहाँ पे आपके लिए है। ठीक है, देख लीजिए इसके आंसर जो भी हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन भी नहीं कर रही हूँ, वैसे जनरली मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन आंसर, लेकिन क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लेंदी है इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। हाँ, ग्रामर वाले पार्ट में कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आप अपने वर्कबुक में लिख सकते हो, इसे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इसका आंसर। मैच द पेयर सही है तो आप देख ही सकते हैं इसका आंसर दिया गया। तो क्या मैं इसमें एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आंसर तो दिया ही हुआ है, जस्ट मैचिंग ही करना है। पैराफ्रेज ये पूरे लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने पोएम अच्छे से समझा नहीं है अपने स्कूल में या फिर आपने मिस किया है क्लास, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका पैराफ्रेज दिया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छी पोयम है ये, किस तरीके से डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम किया जा सकता है इनविक्टस। ठीक है, मतलब हमारे हार्डशिप होती है हमारे लाइफ में चारों तरफ, लेकिन कैसे उससे पार होना है, कैसे ओवरकम करना है, वो सब इस लेसन में है। तो बहुत ही अच्छी पोयम है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल फैक्चुअल एक्टिविटी जो दिया गया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हो आंसर, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे जो क्वेश्चंस थे इनका यहाँ पे आंसर है। ए का कौन सा राइट है देख सकते हैं, बी का कौन सी लाइन राइट है, वो यहाँ पे आंसर सबका दिया हुआ है। जैसे देखिए ए का द सरकमस्टांसेस आर एज बैड, ये वाला सही है। बी का देखिए ये है, आई हैव नॉट एक्सप्रेस्ड माई ग्रीफ, ये हुआ। इसी तरीके से आप सबका आंसर देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है। जी तक जो है आंसर पोयम ये रहा, और इससे से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। देखिए यहाँ पे टफ वर्ड्स की मीनिंग है, तो टफ वर्ड्स की मीनिंग इनविक्टस का मतलब क्या होता है, अनकॉन्करेबल। ठीक है, पिट मीन्स गड्ढा होता है, तो सारे आंसर आप देख सकते हो इसको, इसका आंसर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैक्चुअल एक्टिविटीज़ दिया गया, व्हाट इज़ द पोएट थैंकफुल फॉर, किस चीज़ के लिए थैंकफुल है वो, तो अनकॉन्करेबल सोल है जो कभी हार नहीं मानता। व्हाट इज़ द पोएट हैव फुल कंट्रोल ओवर, तो यहाँ पे देखिए फेट, ठीक है, उसके लक पे, उसकी सोल पे, उसकी लाइफ पे। विच लाइन्स शोज़ दैट द पोएट हैज़ सफर्ड हीज हार्डशिप ब्रेवली, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्वेश्चन के दिए गए हैं। क्वेश्चन ये लाइन दिया गया है, यही लाइन है जहाँ पे हमें दिखाता है कि वो किस तरीके से वो सफ़र करता है अपने हार्डशिप से, ब्रेवली किस तरीके से उसे फेस करता है, ये लाइन दिया गया है, पढ़ सकते हैं उसे। व्हाट इज़ मेंट बाय द प्लेस ऑफ रेथ एंड टीयर्स, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है, ये दिया गया है एंगर एंड सैडनेस। ठीक है, एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पोएट्रिक डिवाइसेस, तो यहाँ पे पोएट्रिक डिवाइसेस यानी फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं हम, तो इसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन दिया गया है यानी चांस, फेट क्या किया जा रहा है उसे उसे पर्सोनिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ सेड टू बी बीटिंग द पोएट वॉलेंटली विद द क्लब, तो किस तरीके से उसे क्लब से पीटा गया, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो पोएम है ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि किस तरीके से हार्डशिप दिखाता है उसका। तेरा आई थैंक वॉट एवर गॉड्स मे बी फॉर माई अनकॉन्करेबल सोल, तो यहाँ पे दिया गया है ये लाइन, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे उसने बताया कि वो ये जो भी हार्डशिप है, दिक्कतें हैं, कैसे वो यहाँ पे इजीली मतलब उसे सह रहा है। यहाँ पे देखिए राइट द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, तो क्या है, ए बी ए बी है, ए बी ए बी कैसे है, यहाँ पे देखिए इसे आपने इसे ए किया, बी किया, सी किया, डी किया,
ठीक है, हर लाइन को नाम दिया। तो ये ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ये मी किससे मैच कर रहा है, बी से। तो ये ए, ये सी भी क्या हो गया, ए हो गया। अब ये पोल सोल, तो ये बी था तो ये भी बी हो गया। ठीक है, उसके बाद वापस से देखिए सरकमस्टांसेस, ये मान लीजिए ए किया, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये जो ए है सरकमस्टांसेस, सरकमस्टांस चांस, तो ये ए था तो ये ए था, सरकमस्टांस उसी से मैच कर रहा चांस, तो ये भी ए हो जाएगा। अलाउड ये बी है तो अनबाउड ये भी बी हो जाएगा। तो इसीलिए बोला कि ए बी ए बी, ये है उसका राइमिंग राइमिंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अप्रिसिएशन ऑफ पोएम दिया गया है, एग्ज़ाम में पूछेगा आपको, 5 मार्क्स लिए आई थिंक है ये, तो 10th में भी यही रहता है, 12th में भी रहता है ये अप्रिसिएशन। तो टाइटल पोएट आपको दिया जाएगा इस तरीके से, क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें आपको ऐसे दिया जाएगा टाइटल पोएट राइम। तो आपको ये सब आंसर नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको ये सब बताना रहेगा। ठीक है, फिर और स्पीच राइमिंग ये सब आपको बताना रहेगा, फिर सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है ये आपको पूरा बताना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैराग्राफ फॉर्मेट और आपको प्रिसेशन ये पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे, तो आप देख सकते हैं प्रिसेशन यहाँ पे। फर्दर रीडिंग है यहाँ पे क्या गया, पोएम को आपको अच्छे से रीड करना है, वही है। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन आंसर का जो ये चैप्टर था उसका क्वेश्चन सब मैंने आपको सब डिटेल बता दिया। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और आपको कोई एक्सप्लेनेशन का चाहिए या क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं बना दूंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं 9th का भी नहीं बना रही थी क्योंकि अभी तो 8th का ही मैं बना रही थी। तो यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर या फिर एक्सप्लेनेशन, तो जस्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। यहाँ पे जो आपने कमेंट किया है कुछ स्टूडेंट्स ने, वो वीडियो मैं प्रोवाइड करती जा रही हूँ आपको। ठीक है, तो आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियो मिलता जाएगा। आपको भी करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और एंड तक देखना है वीडियो स्टूडेंट्स। ठीक है, और क्या करना है आपको, सपोर्ट करना है चैनल को, आप इस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो चैनल को। ठीक है, लाइक करके वीडियो और पूरा एंड तक देख के।